Hi guys, good morning and welcome back to my vlog. This is Srishti Rathi. और सुबह के 8:30 बज रहे हैं. मैं अभी उठी हूँ. आंखें मेरी खुल नहीं रही हैं, बट मुझको अपने कुछ काम निपटाने ही हैं, बिकॉज 10 बजे से मुझे लॉग इन करना है. ये सुबह आई थिंक 7:30 बजे की उठी हुई है, 7 बजे की आकाश के साथ थी. इसने पोटी करी, दूध पिया, सब आकाश ने कर दिया. मैं मेरे सर पे कर रही थी कि मैं भी उठ जाऊं, पर नींद मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रही थी तो इसलिए मैं सो रही थी. बट अभी मैं उठती हूँ और जल्दी से अपने थोड़े काम निपटाती हूँ और फिर मिलते हैं और आज चिक चैट करेंगे. लो लो लो, इस मैडम को अपने खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारे खाने में इंटरेस्ट है. जा रही हूँ नीचे क्योंकि लंच मेरा हो गया है, बट छाछ पीने का मन कर रहा था ठंडा, और घर में छाछ नहीं है. इनफैक्ट कुछ भी नहीं है घर में. जीरा ड्रिंक भी हम पीते हैं, वो नहीं है. तो जा रही हूँ, वो लेकर आ रही हूँ, और एक गार्ड भैया को भी देना है पीने के लिए. बेटा ये क्या कर रही हो? किया किया, कितने पसीने आ रहे हैं यार, बहुत गर्मी है. क्या आगे मैं घर और नीचे से ऊपर, बस मेरे को लगता है 10 मिनट लगे होंगे सामान लाने में. मेरी हालत देखो. सो अब हम भर के पियेंगे छाछ. और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये है किया का दाल का पानी जो किया पिएगी, उसको हम रेडी कर रहे हैं. और जो भी उसका रेसिड्यू है दाल का, यू नो व्हाट आई मीन, दिस मग, ये मैं खाऊंगी. मतलब इतना प्रोटीन इनटेक मेरे को लगता है कि मैंने इसके होने के बाद ही लेना शुरू करा है, नहीं तो ऐसे मैंने नहीं खाई है दाल. और बाय द वे किया को भी छाछ बहुत पसंद है, चप 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 करके पीती है. मेरे हिस्से का छाछ पी रही है. नहीं, कहाँ से सेंस ऑफ टेस्ट आ जाता है इन बच्चों में. अभी तक मैं इसको चम्मच से छाछ पिला रही थी तो ये पी रही थी. जैसे ही छाछ खत्म हुई तो मैंने सोचा कि जो मैंने बोतल में डाल रखा है दाल वाला पानी, वो मैं ग्लास में डालती हूँ और फिर इसको देती हूँ. निकाल दिया मुंह से, पसंद ही नहीं आया टेस्ट इनको. मतलब बिल्कुल लिमिटेड चीजें, इनका इनकी भी फरमाइशें आने लग गई हैं कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं. बट खैर ये मैं फिर से, मेरे को लगता है मेरे को इसको स्ट्रेन करना पड़ेगा बिकॉज ये बॉटल के निप्पल से निकल नहीं रहे, और उसके बाद इनको पिलाएंगे हम लोग बॉटल से ही, उससे नहीं, कटोरी चम्मच से. बट हाँ, मुझको ये बात करनी थी कि देखिए आजकल इतनी गर्मी है, घर पे बैठे बैठे भी हम लोग को इतना पसीना आता है इफ़ वी आर नॉट यूजिंग एसी. और एसी है तो खैर गर्मी का पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर जो लोग बैठे हैं, बाहर जो लोग काम कर रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए या हमारे अराउंड, जो कि एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर जो कि मजबूरी है उनको बाहर जाके काम करना, एटलीस्ट हमको थोड़ा उनका भी ध्यान रखना चाहिए. दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको अपने आसपास कोई भी ऐसा दिखता है तो कुछ तो उनको पीने के लिए, चाहे पानी की बोतल ही दे दीजिए. मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कुछ भी अलग सा उनको देना है, नहीं, एक पानी की बोतल उनकी प्यास ही बुझा दीजिए. घर आते हैं कुछ डिलीवर करने के लिए, वो भी काफी गर्मी से आते हैं, तो उनको पानी के लिए पूछा करिए. छाछ तो बोल सकती है छाछ. हाँ मैं तो बोला. और उसके अलावा आप उनको ग्लूकोन डी दे सकते हैं, छाछ उनको आप दे सकते हैं. और आजकल एक जीरा ड्रिंक भी आता है जो कि मतलब काफी अच्छा रहता है अंदर से हाजमे के लिए भी, वो भी दे सकते हैं. इफ नॉट आप पानी ही दे सकते हैं उनको. बट आई विल रिक्वेस्ट कि भाई अगर आप बाहर जाते हैं और आपको कोई भी ऐसा दिखता है तो नियर बाय शॉप से या इफ यू आर कैरिंग प्लीज उनको वो दे. और अपार्ट फ्रॉम दिस, बाहर चिड़िया के लिए पानी प्लीज जरूर रखिएगा. हो सकता है स्टार्टिंग में वो ना आए, उनको पता ना हो, लेकिन जैसे उनको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ मेरे लिए पानी रखा होता है तो वो पक्का पानी पीने आएंगी. क्योंकि मैं भी अपनी बालकनी में रखती हूँ और स्टार्टिंग के मेरे को लगता है 3-4 दिन चिड़िया आती ही नहीं थी,
और मेरे को समझ भी नहीं आता था कि मैं कैसे चिड़िया को बुलाऊं कि आओ आओ पानी पियो। मैंने DDLJ का तरीका भी अपनाया था, आओ आओ, पर उससे भी नहीं हुआ। बट एक दिन अचानक मैंने देखा, मैं ऐसी बाहर गई तो एक जो कौवा था वो पी रहा था पानी, तो हमको आओ आओ कर रही थी लेकिन दाने जो है मैंने ध्यान नहीं दिया, 9 फ्लोर से नीचे चले जा रहे थे। तो चिड़िया को पानी भी पिलाना चाहिए। और ये हमारे इसको बस तोड़ने मोड़ने में इतना मजा आता है ना कि पूछो ही मत। फिलहाल आई एम गोइंग ये खाने के लिए, खत्म करना है। खाओगे आकाश? तो मैं इसे खत्म करती हूँ, फिर ये दाल का पानी स्ट्रेन कर कर आती हूँ, दाल का पानी इसको पिलाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो बाय। ट्यूशन पढ़ा दिया मैंने किया को, दूध पिला के दूध पिलाया, सुलाया आकाश ने, और उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया, पूरे घर का मैंने डस्टिंग भी कर दिया। अभी इसलिए करा क्योंकि सुबह मेरे पे इतना टाइम नहीं होता, 8:30 बजे तक तो मैं उठती हूँ और 10 बजे मुझे लॉगिन करना होता है, तो उसी 1.5 घंटे में मुझको नहाना भी होता है, फिर किया हुआ कुछ खिलाना पिलाना भी होता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है और खाना भी होता है, तो डस्टिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। सो अभी हो चुका है और मैंने नहा भी लिया है, तो काफ़ी फ्रेश मैं फील कर रही हूँ और अब मैं सोऊंगी। आई थिंक रात के 11 बज रहे हैं, 10 बजे मैं फ्री हुई थी ट्यूशन पढ़ाने के बाद, उसके बाद डिनर किया, डस्टिंग किया और नहाया और किया, अब सो रही है आराम से। मैं भी जा रही हूँ सोने, मोस्ट प्रोबेबली 1/2 घंटे में मैं सोऊंगी, एडिटिंग करूँगी व्लॉग की और देन आई विल स्लीप। और अब मेरा रूटीन ऐसा ही हो गया है, कितना बिजी स्केड्यूल हो गया है कि मैं सोच नहीं सकती हूँ। सो या बट आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा मतलब अगर बिजी रहते हैं तो थोड़ा इधर उधर की जो फालतू चीज़ें होती हैं उनमें ध्यान जाता नहीं है, और अपने ही काम अच्छे से और पॉजिटिवली करने में निकल जाता है दिन, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है बिज़ी रहने की। और हाँ, ये भी एक चीज़ है कि जो भी फ्री टाइम मिलता है उसमें किया ही है भाई, तो किया के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं मैं और आकाश दोनों, तो हम अपना डेडिकेटेडली पूरा टाइम उसको दे रहे हैं अभी अपार्ट फ्रॉम वर्क। सो ठीक है, तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी की बातें हम कल के व्लॉग में करेंगे। और आई थिंक कि अब मेरे को शूट करने के साथ साथ कुछ कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज और कुछ कुछ बातें भी आप लोगों से करनी चाहिए, ताकि एज अ पर्सन मैं कैसी हूँ आप लोग को पता चले, और ये काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि आप मेरी भी एक फैमिली हो, और कि मैं कैसी हूँ और आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस पसंद आती हैं वो भी मुझे पता होना चाहिए, और आपको मतलब मैं कैसी लगती हूँ तो वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी बातें अब हम व्लॉग्स में ज़्यादा करेंगे और अपना मैं रूटीन भी दिखाऊंगी, और कुछ भी अलग अगर होगा तो ऑब्वियसली वो तो मैं शेयर करूंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, डू वॉच माय ऑल व्लॉग्स, देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सृष्टि राठी। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, एंड मास्क पहन के रहिए, कोविड बहुत बुरा है, एक नया वेरियंट आ चुका है।